मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. चाहती थी और मैं अपने आप को थोड़ा आगे तक देख रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं घर के बाहर हूँ और बहुत लोग डिसअपॉइंटेड है. और बस अभी मैं क्या कर सकती हूँ उसके बाद. एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है. ग्लासेस के पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं और मुझे थोड़ी नींद में चलने की और बोलने की आदत है, तो कई बार मैं जब उठ जाती थी तो कई लोग डर जाते थे क्योंकि मैं जब नींद में बोलती थी तो. पर भूत वूत कुछ भी नहीं है, घर बहुत पॉजिटिव है और बस ग्लास के पीछे लोग काम करते रहते तो ठाक ठूक कुछ कुछ आवाज़ें आती रहती तो अचानक से डर लग जाता है. पर हाँ, इट्स क्वाइट पॉजिटिव. मैं मेघा के लिए बहुत सैड फील करती हूँ कि उन्होंने ऐसे सब कर लिया, बिकॉज ऑफकोर्स वो विनर का टैग उनके साथ है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक विनर होना, बिकॉज आपके इतने सारे फैंस आपसे बहुत, आपके एक्सपेक्टेशंस एक हायर लेवल पे ही आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज आप विनर रह चुके हो. और एक विनर को क्या, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को भी ऐसी हरकतें शोभा नहीं देता, किसी पे चप्पल फेंकना या थूकना. तो वहाँ मैं उनको बहुत गलत समझती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपना गेम सुधार लेना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, जैसे वो स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, वो अच्छी तरह बिहेव करती हैं और फिर टास्क में इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं, वो नहीं करना चाहिए, एक लाइन मेंटेन करनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझसे वो बैन, काफ़ी टाइम तक वो बैन, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ वीक में मुझ पर वो बैन लगा था और अब तक था, तो एक बहुत बड़ी बैन थी वो. और मुझे ऐसा लगता है वो जल्दी अगर ख़त्म कर देते शायद मेरा गेम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता, बिकॉज मैं अपने आप के लिए खेलती, इतने टाइम से मैं किसी और के लिए ही खेली जा रही थी, तो शायद मेरा गेम बहुत चेंज होता अगर मेरे से वो बैन हटता तो. पहली बात तो मैं बिल्कुल भी पार्शल नहीं थी. दूसरी बात ये कि जब श्रीशांत खुद अंदर आए, उन्होंने खुद बोला ये कि हाँ सृष्टि तो कुछ भी नहीं कर रही, अगर ये मेघा ही इतनी अग्रेसिव हो सकती है तो उसमें सृष्टि क्या कर सकती है. अंदर आके उनको खुद लगा कि मेघा मेघा थोड़ी सी अग्रेसिव थी और वो डेफिनेटली थोड़ी सी अग्रेसिव थी. मैं चाहती तो मैं कब का बोल सकती थी कि बल का प्रयोग और मेघा कुछ नहीं कर पाती, तब भी लोग मुझे अनफेयर बोलते हैं कि मैंने मेघा को मौका नहीं दिया अपने आप के लिए लड़ने का. लेकिन मैं उन्हें मौका दे रही थी उनके लिए लड़ने का, वरना तो वो ऑफकोर्स वो दो लड़के एक पावर यूज करेंगे तो वो लोग तो ऑब्वियसली जीतेंगे, बिकॉज लड़कों में थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. लेकिन जब मेघा उन लोगों को पीछे हटा रही थी, मैं इतना कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जब रोहित या दीपक उनको पकड़ के, तो मैंने कहीं ना कहीं पार्शल थोड़ी हुई हूँ मेघा की तरफ, मतलब मैंने उनको सपोर्ट ज्यादा किया है रोहित और दीपक से ज्यादा. लेकिन वो उस वे में हो जाता है कि लड़कियां जसलीन और मेघा दोनों ऐसे कर रही थी कि वो लोग हल्का सा भी टच कर लेते डोंट टच मी, और खुद जा जाके टच कर रही थी. तो और तभी आप नहीं बोल सकते कि डोंट टच मी, तो अपनी कन्वीनियंस से लोग लड़कियां नहीं बन सकते और अपनी कन्वीनियंस से नहीं बोल सकते डोंट टच मी. आप खुद जाके मेघा उनके गाल को ऐसे कर रही है तो आप खुद अपने हिसाब से क्यों पलट सकते. अगर आपको नहीं पसंद कि कोई आपको टच करे तो आप भी मत करो किसी को टच. टास्क में आप ऐसे एक राउंड में जसलीन ने कहा भी कि अब नो टचिंग अलाउड, तो मैंने बोला क्यों, बोलिए अब नया राउंड है ना, अब कोई मुझे टच नहीं करेगा. आई सेड ये नहीं होता, पहले राउंड में आप अच्छे से टच कर रहे हो, हाथ पकड़ के खड़े हो, और दूसरे राउंड में आप बोलते हो नो टचिंग अलाउड. तो अपनी कन्वीनियंस से अपनी लड़की होने का पावर गंदी तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोगों को. टास्क में मुझे भी बहुत बार चोटें लगी, लेकिन मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया कि किसी लड़के ने मुझे मारा है या मुझे ऐसे गंदी तरह ट्रीट किया. आई थिंक टास्क में सब कुछ अलाउड होता, सब कुछ मतलब एक लिमिट में, और मैं वहाँ पे वही खड़े होने के लिए थी, ये देख रही थी कि कोई लाइन क्रॉस ना हो, दैट्स इट. इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जो भी हुआ, मैंने दीपिका को सॉरी बोल दिया था, बात वहीं पे ख़त्म हो जानी थी. शोएब को ओपन लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मैं अपनी गलती मान, मतलब गलती भी क्या, मतलब बुरा ये लग रहा था कि दीपिका को इतना बुरा लग गया था. मैंने कुछ ऐसा नहीं इतना बुरा स्टेटमेंट बोल दिया था, दीपिका ने मेरे हिसाब से इससे वर्स्ट बातें सुनी उस घर में दूसरे लोगों के मुँह से. पर शोएब का वो ओपन लेटर लिखने का सेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी. अगर मैं अड़ी हुई होती कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, आपने अपनी गलती नहीं मानती, तो अलग बात होती. बट मेरे सॉरी बोलने के बाद मैं और दीपिका, इनफैक्ट उसके बाद थोड़ा थोड़ा बात भी करने लगे, तो उसके बाद ही ओपन लेटर आने का मतलब मुझे सेंस समझ में नहीं आया. रोहित और मेरी फ्रेंडशिप बहुत प्योर थी और आगे भी रहेगी, बट बाकी घर वालों ने उसे एक बहुत अलग वे में ले जाने की कोशिश की जो नहीं हो पाया. और रोहित का नेचर ही फन लविंग है, मेरा भी ऐसा है, बट वो अगर गलत लोगों को लग रहा था, बिकॉज वो गलत था नहीं, बट लोग उसे गलत बनाने की कोशिश कर रहे थे. सो आई डोंट थिंक कि लोगों को ज़्यादा सोचना चाहिए, जस्ट दो लोग दोस्त भी हो सकते हैं, उसको लोगों को स्पेस देना चाहिए. वो तो वो कॉलर के कॉल पे ही आई थिंक उसके बाद से लोगों ने भी ये बोलना बंद कर दिया था और सबको जवाब मिल गया था, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, वो वीकेंड पे क्लियर हो गया था एंड आई वॉज हैप्पी. और उसके बाद आई थिंक सबका एक परसेप्शन चेंज हुआ हम दोनों को देखने का,
एंड लोगों ने हमारे बारे में सोचना कम किया और अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट करना, सबका ध्यान हम दोनों पे ही लगा रहता था. आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई पीपल वर डूइंग दैट, पर उसके बाद आई थिंक काफ़ी चीज़ें बेटर हुई और लोगों ने हमें अभी तक लास्ट तक एज गुड फ्रेंड्स देखा है. फैंस को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने सारे वोट्स दिए, 6 nominations से बचाया, 10 हफ्तों तक सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे वीडियोज बना रहे हो मेरे लिए, इतने अच्छे अच्छे कोलाजेस मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया हो कहीं तो, बट आई लव यू ऑल.